हम इस वक्त जाफराबाद के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं यहां पर धरने पर बैठी हुई हैं और लगातार जो है नारेबाजी हो रही है कि सीए वापस लो, एनआरसी वापस लो। आज 23 फरवरी है और भारत भी बंद है, इसी के तहत आज ये पूरा भारत बंद किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं और हाथ में तिरंगा झंडा है, लेकिन इन महिलाओं की आरक्षण और एनआरसी दोनों की साथ में डिमांड है कि जब तक बहुजन और मुस्लिम साथ में इनकी डिमांड नहीं सुनी जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। हम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अगला शाहीन बाग हो सकता है, कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा या सिर्फ आज भारत बंद है इसलिए आज का ये प्रोटेस्ट चलेगा। तो हम बात करेंगे आंटी। हाँ बोलिए। ये जो प्रदर्शन है ये कब तक चलेगा? ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही सड़कों पर पड़े रहेंगे, जान दे देंगे जान अपनी किसी तरह से। आरसी वापस होनी चाहिए। मोदी जी से और हमारे गृह मंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि ये कानून वापस ले लो, हमारा देश बच जाएगा। इसमें झगड़े बहुत हो रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है, ना कोई इनका लीडर है। ये सभी चाहते हैं कि हम सबको संबोधित करें, आप मेहरबानी करके ये काला कानून वापस ले लो। इससे हमारे 70 दिन हो चुके हैं, माँ बहनें छोटे छोटे बच्चे हर इंसान परेशान है, हमारे मुल्क का सारा कारोबार ठप हो चुका है। इसलिए हम आपसे अनुरोध रिक्वेस्ट दरख्वास्त सब कुछ कर रहे हैं कि इसे वापस ले लो, ये अच्छा नहीं है, ये हमारा मुल्क है, इसे हमें बचाना है, इसको हमें देखना है। इन झगड़ों में हमारे देश पीछे हो रहा है, सारी तरक्की ख़त्म हो गई है, हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। मेरे भाई रिक्वेस्ट करते हैं इसे वापस ले लो, ये अच्छा नहीं है, समझे? बहुत दिन हो चुके ये झगड़े होते हुए, समझे? हम यही चाहते हैं आपसे, हमारी मजदूरी का ध्यान करते हुए आप ये सोचो कि ये बंद करो, इसे काले कानून को बंद करो, तो हमारे मुल्क को बर्बाद ना करें। हम इनसे बार बार गुजारिश करते हैं ये झगड़ा जो है ख़त्म कर दें, इसे जो कानून है ये वापस ले लें ताकि हमारे मुल्क में चैन और सुकून हो जाए। हम मिलकर रहना चाहते हैं, हम इस झगड़े को नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमारे जो ये भाई हैं परेशान हैं, पता नहीं क्या कैसे कैसे कानून निकाल रखे हैं, ये बात करें और एक एक सभा को संबोधित करते हुए कानून वापस ले लें, सब अपने घर पहुँच जाएंगे, चैन पड़ जाएगा, सुकून हो जाएगा। शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वकील भेजे जा रहे हैं कि बात करने के लिए कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दो, क्योंकि सड़क अगर जाम होगी तो लोगों को परेशानी होगी। अब आपको जब ये परेशानी दिखाई दे रही है, 65-70 दिन हो गए, तो 65-70 दिन में आपको समझ में नहीं आ रही, पूरे मुल्क में पूरे हिंदुस्तान में आग लगी पड़ी है, तो आपको समझना चाहिए भाई इसे ख़त्म कर दो, कोई वो तो ख़त्म तो करना ही है आपको, या क्या चाहते हैं आप, क्यों ऐसा नहीं करते है? अब वो साइन वालों के हट जाएंगे, इसका मतलब और आगे को बढ़ा देंगे, सुनेंगे ही नहीं। तो हर आदमी अपनी अपनी हट धर्मी पर लगा हुआ है, तुम अपना कानून ख़त्म नहीं कर रहे, वो अपनी हट धर्मी पर, इसे हट धर्मी ख़त्म करो। कोई सड़क जाम नहीं है, आप देख सकते हैं हमारे कार्यकर्ता सब भाई सब लगे हुए हैं, रोड चालू है, सुबह से धरने पर बैठे हैं सब, काम धाम छोड़ गए, हमारी माँ बहने बैठी हुई है, 2 महीने से ऊपर हो गए, हमारी सरकार सुनती क्यों नहीं है, हम में फूट क्यों डालने की कोशिश की जा रही है, हम हिंदू मुसलमान सब इस देश के वासी हैं, हमारे साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, ये काला कानून ख़त्म क्यों नहीं करती सरकार, हमारी सुनवाई क्यों नहीं, हमारे छोटे माँ बहने छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, एक बच्चा शाहीन बाग में जिसका इंतकाल हुआ उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, हमें दोष दिया जा रहा, किसकी गलती है, हमारी माँ बहने कहाँ जाएंगी, हम कहाँ जाएंगी। मैं कहना चाहता हूँ हिंदू मुसलमान में फूट मत डालो, सब एक हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई सत्य में जयते भारत माता की जय। अभी एनपीआर होने वाला है 1 अप्रैल से, जो एनआरसी का पहला वो बताया जा रहा है स्टेप, अब सरकार जो एनपीआर करेगी उसको आप कैसे विरोध करेंगे या उसमें हिस्सा लेंगे, अपनी जानकारी देंगे? उसका विरोध तो पहले से बड़े पैमाने पे हो रहा है और मैं कहना चाहूँगा ये सरकार जो है स्टैम्प पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हमेशा कोई नहीं रहता, इतना तानाशाही रवैया इख्तियार करे हुए है कि 2.5 महीने होने जा रहे हैं शाहीन बाग को, उसमें कोई भी सरकार का अधिकारी नहीं जाता है, कोर्ट से भेजते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ये सरकार को तानाशाही रवैया छोड़ना पड़ेगा, देश में के हक के लिए बात करनी चाहिए, जो देश में नुकसान हो रहा है, ये पूरे देश का पूरे हिंदू मुस्लिम सबका नुकसान है, कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के एक का हिंदुस्तान थोड़ी है,
तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से आपके चैनल के जरिए, ये ताराशाही रवैया सरकार छोड़े और जो देश में तरक्की के लिए कोई कानून बनाए, ना कि देश को बर्बाद करने का कोई कानून बनाए। इसका विरोध हम करते रहेंगे और पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है और विरोध जारी रहेगा जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी। आज चंद्रशेखर रावण ने भारत बंद का ऐलान करा है, आज भारत बंद है और एक तरफ सीए के प्रोटेस्ट भी लगातार चल रहे हैं। तो जो बहुजन है यानी कि जो दलित है, एससी एसटी है और जो मुस्लिम है, ये दोनों मिलके क्या कोई बड़ा आंदोलन एक तरीके से खड़ा कर सकते हैं जिससे सरकार के लिए परेशानी? जब उनके साथ हमारे साथ चाहे दलित भाइयों मुस्लिम साथ जो अत्याचार होगा जुल्म होगा तो उसके खिलाफ तो हम आवाज़ उठाएंगे। आप बताओ ये कहाँ की कहाँ का इंसाफ है? दलित भाई जो है वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, हम मुस्लिम भाई भी हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम सरकार से कोई वो तो मांग नहीं रहा आरक्षण वगैरह जो है, हमें हमारा हक चाहिए, काला कानून ख़त्म कर दो, झगड़ा ख़त्म, लड़ाई ख़त्म और मुसलमान भाई सबको एक लेके चलो, फूट क्यों डाल रहा हूँ मैं? हम सब मुसलमान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम तो यही नारा लगाते हैं कि हम एक हैं, एक रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सी सरकार आ जाए, चाहे मोदी सरकार आए, कांग्रेस आए, हम एक हैं, एक रहेंगे, सत्यमेव जयते भारत माता की जय, यही नारा रहेगा, यही रहेगा और यही है। दलित भाई हो, हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सबका एक ही नारा, हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे और रहते रहेंगे, हम फूट नहीं डालेंगे, भारत माता की जय। भाई हमारा तो यही हम आवाज़ दे रहे हैं कि इस चीज़ को हटा दिया जाए, ठीक है ना, और जिस इसके आते ही है ना दिक्कत आ जाएगी, ठीक है जी, परेशानी क्यों का सबब बन जाएगा लोगों के लिए, क्यों जी, हालांकि अच्छा खासा है देश हमारा चल लिया है ऊपर वाले की दया से, क्यों जी, हैं, तो हम तो सब मिलजुल के जितने मजहब वाले ना सब मिलजुल के भी रहते हैं जी यहाँ पे, ये इन्होंने आके ना बीज बो दिया, ये झगड़े का बीज बो दिया इन्होंने। हाँ कैसा लगता है जब सरकार जो है बात करने नहीं आती, क्योंकि शाहीनबाग में 70 दिन से चल रहा है धरना, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बात करने नहीं आया, तो कैसा महसूस होता है कि यार हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना प्रदर्शन, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई बात ही सुनने नहीं आ रही? सरकार की, सरकार को उसके कान में आवाज नहीं आ रही, सही बात नहीं कर रही सरकार बिल्कुल भी। अब ये बताइए कि हम अपने घर, हमारे घर बार हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्यों जी, ये बोलना है नहीं। हाँ इंटरनेशनल मीडिया वाले जब तक कि हमारे प्रोटेस्ट में हम कर रहे थे अंदर बैठ के, तो कोई इंटरनेशनल मीडिया, कोई भी मीडिया यहाँ तक नहीं पहुँच रही थी वहाँ तक कवर करने, और आज हमने जो रोड घेरा है ना इसकी वजह से कोई सी मीडिया वाली ऐसी नहीं बच रही जहाँ पर कवर करने आ रही है। इस समय एक फ़ायदा ये हुआ है कि अब सारी मीडिया यहाँ पर भी आ रही है, कवर भी कर रही है। जब तक कि हम अंदर कर रहे थे तो कुछ टीवी पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, पता नहीं चल रहा था, हम अगर वहाँ सालों साल ही बैठे रहते ना तो बैठे ही रहते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे सुनने में आ रहे हैं कि बड़े बड़े लोग दुर्गापुरी में भी आ रहे हैं, कोई नेता आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसका कुछ फ़ायदा हुआ, हमारी बात सुनी जाएगी, हम आशा करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि हमारी बात अब सुनी जाएगी। हम इंसान बढ़ाने तो नहीं आए, आप देख रहे हैं किसी के हाथ में कोई पत्थर कोई कुछ है नहीं, सब अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना और अपनी बात पहुँचाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, माँ बहनों के साथ, भाइयों के साथ, सब निकल के आए, सब घर में, सब आप जाके देखेंगे ना जाफराबाद में, तो शायद ही जाफराबाद में आपको कोई आदमी दिखे खड़ा हुआ, पूरा खाली है, आप जाके देख सकते हैं। और हमारे आने के बाद ही, यहाँ पे आने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि हमारे आने के बाद कोई सी मीडिया ऐसी नहीं है जो यहाँ पे ना हो उस टाइम, तो हमें फायदा पहुँचा, हमारी बात टीवी पर दिखाई जा रही है। अब ये ऊपर वाले जाने ये हमारे उसमें है कि अब ये मीडिया वाले हमारे बारे में सही दिखाते हैं या गलत, देखो हम तो सही बोल रहे हैं, अब पता नहीं आप लोग, आपको नहीं कह रहा मैं, जो भी हैं उनमें से जो क्या बोल रहे हैं, कैसे कर दें, कैसे न्यूज़ बना दें, पर ये बात आप जानते हो कि यहाँ कुछ हिंसा नहीं हो रही, कुछ गलत नहीं हो रहा, या आप देख सकते हो, कवर करके दिखा सकते हैं पूरे उसमें, आप घुमाए कैमरा दिखा दीजिए कि कोई भी यहाँ पे हिंसा नहीं कर रहा है। तैयारी कर रखी है, जो हिंसा के लोग आएंगे उनकी भी पूरी तैयारी है कि मतलब उनको हम कैसे पहचाने, क्या करेंगे, किसी भी चेहरे पर कोई नकाब नहीं है, आप देख सकते हैं, किसी भी चेहरे पर अगर नकाब मिलेगा, किसी ने रुमाल बांध रखा होगा उसे तुरंत हम बाहर निकालेंगे, कोई भी अगर हमें ऐसा आदमी दिखेगा उसे तुरंत हम पकड़ के बाहर निकालेंगे, तो हम बिल्कुल तैयारी के साथ हैं, बहुत अच्छे से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे बारे में सही दिखाइएगा क्योंकि हम सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बस हमारे भाई ने बोल दिया, वही अभी तो नहीं, जो हमारे भाई ने बोला वही हमने बोलना था, बस हमारे भाई के हमारे
यहाँ पे पूरी एक वॉलेंटियर की टीम बना दी गई है कि इस तरीके कोई भी अगर ऐसा संदिग्ध आदमी दिखता है जो कुछ हरकत कर सके उसके लिए भी एक टीम बना दी गई है। जी ये भी टीम बना दी गई है कि अगर हमने एक टीम ऐसी बनाई है अभी वॉलेंटियर्स की कि अगर हमें किसी भी भाई किसी भी लड़के किसी भी आंटी किसी भी औरत किसी भी किसी को भी शक हो तो उसे हम पकड़ के ज़रूर पूछताछ करेंगे, उससे पूछेंगे कहाँ से जो भी है अपने बारे में उसके बारे में सब कुछ करेंगे, पुलिस को तहकीकात भी करेंगे अगर हमें शक हुआ तो। लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा आदमी नहीं दिख रहा, सब अपने दिख रहे हैं। अगर हमें ज़रा सा भी शक हुआ तो हम तुरंत उस पर कार्यवाही करेंगे और हमने टीम अभी ऐसी बनाई है, अब उस पर हम काम चालू कर रहे हैं। पीछे जाएंगे, पीछे एक लाइन लगाएंगे वॉलेंटियर्स की, आगे यहाँ पे लाइन लगी है आप देख सकते हैं सारी वॉलेंटियर्स की, ताकि कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पे हिंसा ना फैले और अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक बहुत अच्छे से हो और सरकार तक हमारी बात पहुँचे। और ये भी आप दिखा सकते हैं जो हमें बोलते हैं ना कि हम आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, तो हम जो है हमें आतंकवादी का केस लगा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप ये भी सुन सकते हैं, अगर हम आज़ादी के नारे लगा रहे हैं तो क्या बोल के लगा रहे हैं, हमें आज़ादी किस चीज़ से चाहिए, हम पूरी बात बोल के आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हमें भारत से आज़ादी चाहिए, हम ये तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं मनुवाद से आज़ादी, आतंकवाद से आज़ादी, फांसीवाद से आज़ादी, भगत सिंह वाली आज़ादी, गांधी वाली आज़ादी, अशफाक वाली आज़ादी, फातिमा वाली आज़ादी, हम ऐसी आज़ादी मांग रहे हैं, भारत से आज़ादी नहीं मांग रहे, हमें अपनी जीने की आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता की आज़ादी चाहिए, तो हम ये आज़ादी मांग रहे हैं। तो ये आप भी सुन सकते हैं, खाली आज़ादी की बात नहीं सुननी है, पूरी बात सुननी है कि हमें आज़ादी हम मांग किससे रहे, तो ये भी आप बताइए। बेटे ये कानून के लिए गलत है, 68 साल की उम्र हो गई, मेरा 68 साल की उम्र हो गई, ऐसा वक्त नहीं देखा, बहुत सही रह रहे थे, अब ऐसा दुख है घर में से निकल। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, ठीक है, आपने दुनिया देखी है, जो ये NRC है इसमें पुराने प्रूफ मांगे जा रहे हैं बेटे, आपके जमाने में ऐसा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह का कुछ होता था कि जो रखा हुआ हो आप अपने वालिद साहब का दिखा सके? नहीं दिखा सकते बेटे, कहाँ से दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते, अरे कहाँ से लाएंगे, घर जल गया, आगे लग गई, सैलाब आ गया, कहाँ से लाएंगे बेटे, नहीं दिखा सकते, ये हमने नहीं देखा 6 साल में, जैसे ये लोहे के चने चाप रहे हैं बेटे, लोहे के चने, घर से निकलते हुए डर लगता है कि कल क्या होगा। कागज के ऊपर मुझे एक बात कल क्या होगा, आप बोल रहे हैं कि आपके पास अगर कम, तो मैं इस पर एक शेर है, मैं वो अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे पास तो कागज़ों का एक संदूक है, मेरे पास तो कागज़ों का एक संदूक है, अगर मेरे दोस्त के पास नहीं निकलेगा तो दिल दुखेगा, अगर मेरे दोस्त के पास नहीं निकला तो दिल दुखेगा। तो इस मारे हमारे पास तो है, हम अपने भाइयों के लिए भी लड़ रहे हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बाहर से आए जिनके पास नहीं है, होती है पुरानी बातें, कुछ नहीं बनवा पाते कुछ बातें, लेकिन इस बात का सबूत हम दे सकते हैं कि हम इंडियन हैं, ये सबको पता हम इंडियन हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप बोल लो CA, NRC, NPR जो भी ला रहे हो, तो हम घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं। एक बात बताओ सरकार, जब हम बाहर जाते हैं विदेश में कहीं, तो पासपोर्ट के ज़रिए जाते हैं, है ना, तो गवर्नमेंट के पास उसका सारा डाटा होता है, कोई बाहर विदेश से अगर आता है, बाहर देश से कोई मुल्क में हमारे भारत में आता है, तो उसकी एंट्री गवर्नमेंट के पास होगी या नहीं होगी, आप बताइए, है उसकी एंट्री गवर्नमेंट के पास है, तो ना कि पूरी जनता को परेशान करके जो बाहर से आए हैं उनके पास जो लिस्ट है, जो उनके पास एंट्री है, कौन कहाँ से आया, तो उनको पकड़ो ना, सारी जनता को क्यों परेशान कर रहे हो, जो बाहर से आया उनके पासपोर्ट देकर आया है, वीज़ा से आया है, वीज़ा लगा कर आया है, जैसे भी आया उसकी एंट्री गवर्नमेंट के पास है, तो उसमें से देखो और फिर उससे पूछताछ करो, पूरी जनता को क्यों परेशान कर रहे हो आप, हमारा कहना मकसद ये है। हम अपने देश बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए हम रोड पर आके बैठे हैं, हमें आतंकवाद क्यों कहा जाता है, हमारा ये सिलमपुर है, समझे जाफराबाद है, तो पाकिस्तान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, हैं यहाँ पर मुसलमान है इसलिए बोलते हैं, हम भी तो इंसान ही है तो हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के वतन है, हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हम भी, हम यहीं मरेंगे और यहीं मर के दफनेंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम, NRC चालू करे या ना करे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तस मस्त कहीं। मीडिया का रोल है इस जितने भी आंदोलन चल रहे पूरे देश में, जो मीडिया का रोल है उस पर आप क्या क्या समझते हैं, किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने तो अभी सुबह से न्यूज़ देख रहा था, तब मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैंने तो ये देखा कि मीडिया जो है सरकार की पूरी दलाली के साथ काम कर रही है, और जनता की आवाज़ को बजाय उठाने के, क्योंकि मीडिया का काम होता है कि जनता जो आवाज़ कर रही है उसको सरकार तक पहुँचाना, लेकिन वो सरकार को रुकसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी जी न्यूज़ चैनल देख रहा था, वो पूरी बैठ कर वहाँ पर मैडम उनको भाजपा वालों को उकसा रही थी कि गृह मंत्री इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं,
ये रास्ता क्यों नहीं खोले जा रहा है, पूरी दिल्ली को बंधक बनाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली में कहाँ बंधक बनाया गया है, कौन सा ऐसा दिल्ली को बंदी बना के कि दिल्ली NCR में आने का रास्ता रोका गया है या किसी को भी परेशानी दी गई है। हाँ, अगर जनता अपनी बात रख रही है तो मीडिया का तो फर्ज ये बनता है कि जनता की बात सरकार तक पहुँचाए और सरकार उस पर विचार करे, ये नहीं कि जनता पर दबाव बनाया जाए और मीडिया उसको दबाए। यहाँ तो एक तो सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस का इतना सहयोग रहा है कि दिल्ली पुलिस की जितनी सराहना की जाए अब तक, पहले दिन से लेकर अब तक, दिल्ली पुलिस ने पूरा सहयोग करा है, संयम बरता है और लोगों की बातों को बर्दाश्त किया है। मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जनता का साथ दिया है। ऐसे मीडिया को भी साथ देना चाहिए और गृह मंत्री जी पूरा संयम बरते हुए, क्योंकि गृह मंत्री जी बात को समझ रहे हैं और लेकिन मजबूर है सरकार के आगे, हो सकता है कुछ मजबूरियां रही हो सरकार की, लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि NPR जो आने वाला है, हमारी जो जनगणना होती थी उसमें जो नए नए मुद्दे लाए हैं उसको ख़त्म कर, जनगणना जैसे होती चली आई ऐसे होने थे, और NCR ये जो NRC लाए हैं, NRC अभी इन्होंने लागू नहीं करी है, लेकिन अगर लागू कर देंगे तो हम क्या कर लेंगे। इन्होंने 370 एक सेकेंड में हटा सकते हैं, 3 तलाक का मुद्दा एक सेकेंड में हटा सकते हैं प्रस्ताव पास करके, तो ये NCR पे क्यों नहीं हाथों हाथ मुद्दा को ख़त्म कर लेते, क्यों नहीं जनता से बात करते बैठ के। भाई जनता के बीच आएँ, जनता कोई मार थोड़ी देगी, लड़ थोड़ी रही है, जनता तो प्यार मोहब्बत से प्रोटेस्ट कर रही है, अपना बात रख रही है। अब उस बात का जवाब अगर प्रधानमंत्री जी आन के कहीं पे भी आश्वासन दें या गृह मंत्री जी आश्वासन दें तो जनता को बताएं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो जनता की समझ में आएगी, क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ हठधर्मी दिखाई है, सिर्फ एक ही बात कहते चले आए हैं कि हाँ जी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कह रहे पीछे मत हटो लेकिन रास्ता तो निकालो, सिर्फ एक तरफा मामला करने से कुछ नहीं होगा। आप चंद देशों से आप उनको कहते हो वो हमारे दुश्मन हैं, आप उनके लोगों को आप अपने देश में लेना चाहते हो, क्या सबूत है कि वो आतंकवादी नहीं हो सकते, वो लोग जिनको तुम नागरिकता दोगे वहाँ से लाकर, हो सकता है मन में उनके कुछ और हो, उनके माथे पे थोड़ी लिखा है कि वो हमारे देश में नागरिकता लेने के बाद हमारे देश के अंदर कोई आंदोलन ऐसा काम नहीं करेंगे। हो सकता है वो लोग विचार बदल के, नाम बदल कर, वहाँ से हिंदुता की सदस्यता लेकर हिंदू बनकर मुसलमान और हिंदू बनकर हिंदुस्तान में आना चाह रहा हूँ, और हो सकता है वो मुस्लिम हो वहाँ के, वो आतंकवादी हो सकते हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, लेकिन हमारे देश में कोई आतंकवादी नहीं है। वो लोग अगर वहाँ से आन के हिंदू बन के हिंदू हमारे देश में नागरिकता ले ली तो हम उनका क्या कर लेंगे, अगर उन्होंने ये कहाँ पर कोई कांड कर दिया तो उसका मोदी जिम्मेदार होंगे या BJP सरकार जिम्मेदार होगी, उसका जवाब दे मोदी सरकार, क्या मैं जिनको नागरिकता देने का काम कर रहा हूँ उसमें फिर सभी धर्मों को नागरिकता देने का काम करें और यहाँ के रहने वाले बाशिंदों को अपना आश्वासन दें, आनकर बताएं क्या हम ऐसा कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा है, TV पर बैठ के डिबेट करने को तैयार हैं, TV पर बैठ के, क्योंकि मीडिया उनकी है, वहाँ बैठ कर जनता को दुश्मन थोड़ी है आपकी, जनता ने वोट देकर आपको प्रधानमंत्री बनाया है, यही जनता है जिन्हें सर पर बिठाया है, लेकिन वक्त आएगा तो उतार भी देगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है कि शाहीन बाग पूरा शाहीन बाग बनना, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दिल्ली, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दलित भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी धर्मों के लोग इसमें उतरे हुए हैं, सिर्फ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों का नाम लेके मीडिया बदनाम कर रही है, क्योंकि गोदी मीडिया मोदी की जो मीडिया है वो सिर्फ अगर डोनाल्ड ट्रंप का 23 घंटे बाकी रह गए तो गोदी मीडिया उस पर 23 घंटे पर टारगेट लगाए बैठी है, लेकिन ये जो जनता यहाँ बैठी है इनकी आवाज़ दिखाने को राजी नहीं है, वो इनको आतंकवादी बताने को राजी है वो मीडिया। मैं उस मीडिया से कहना चाहता हूँ आप जनता की आवाज़ बनो, आप मोदी की आवाज़ ना बनो, क्योंकि आपको जो चैनल चल रहा है वो जनता देखती है, मोदी जी तो सिर्फ आपको लाइसेंस देते हैं, आपको डर है आपके लाइसेंस रद्द ना हो जाए, अगर कुछ सीखना है तो रवि जी से सीखिए, NDTV से सीखिए। दो बयान मैं आपको बताऊंगा, भारत का मुसलमान क्या सोचता है इन चीज़ों पे वो आपको बताना पड़ेगा। वारिस पठान ने बयान दिया था, गिरिराज ने एक बयान दिया था कि ये लोग राजनीतिक लोग इस पे भारत का मुसलमान जो है वो क्या सोचता है, क्योंकि आप एक नागरिक है और आपकी बात पहुंचनी चाहिए, तो इस वजह से बताइए कैसे सोचता है वो कि इस तरीके की हेट स्पीच जो है वो कहाँ तक। वारिस पठान हो या योगी आदित्यनाथ हो, ये लोग आपस में लड़वाने वाले लोग हैं, ये अपनी रोटियाँ सेकने वाले लोग हैं, इनका हमारी जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता की सोच बिल्कुल अलग है इन नेताओं से, ये लोग सिर्फ हमारे धर्म के नाम पे, हमको बांटने के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हम लोग बंटने वाले नहीं हैं,
हिंदुस्तान सबका था, सबका है, सबका रहेगा। ये कितनी रोटियां सेकने सेक ले, कितनी जितना हम में फाड़ करेंगे उतना प्यार पैदा होगा। आप हमेशा याद रखिए, घर में जब दो भाई होते हैं और उनमें आपस में दिल बिगड़ी हो जाती है, लेकिन जब वो अलग हो जाते हैं तो उनमें और प्यार बढ़ता है। ऐसे ही जितना हमको ये अलग करने की कोशिश करेंगे, हमारा हिंदू मुस्लिम में उतना प्यार बढ़ेगा और इस देश को हम लोग आगे लेके जाएंगे। ये लोग पीछे लाए और पीछे ले आ रहे हैं, क्योंकि अब तक मोदी जी ने जिस दिन से बैठे हैं सीट पर, हर चीज़ को बेचने का काम किया है, ना कि जनता के हित में काम किया है। अपना आपको चमकाने का काम किया है, अपना आपको पूरे देशों में दिखाने का काम किया है, हिंदुस्तान को चमकाने का काम नहीं किया। अगर कुछ कर, आज क्या कर रहे हैं वो, उनको बुलाया डोनाल्ड ट्रंप को, वो दिखा रहा है कि मुझे गुजरात मॉडल जो है उसको बेचना है। वो गुजरात मॉडल को चमकाकर बेचना चाह रहे हैं, ताजमहल को दिखाकर बेचना चाह रहे हैं। वो लोग, उन्होंने 100 एयरपोर्ट बेच डाले, रेलवे बेच डाला, हमारा लाल किला बेच डाला। अब ये कसर बची है कि ताजमहल और गुजरात जाके वो बाशिंदे, जो आदमी गुजरात का होके गुजरात का ना हो सका, वो उसको बेचने में लगा हुआ है, वो देश का नहीं हो सकता। थैंक यू। ये जो धरना चल रहा है, आपको क्या लगता है कब तक चलेगा? धरना वापिस रखे हुए हैं, जब तक नहीं देगा जब तक चलेंगे, और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी ये मोदी जी वापिस नहीं लेते, हम जब तक धरने पे बैठे रहेंगे। पूरी दिल्ली में कई जगह पर धरने चल रहे हैं, हाँ, लेकिन रात अचानक, हाँ धरना चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर मना कर दिया गया है। हमने बात करने की कोशिश की तो देखा आपने कि बात करने के लिए मना कर दिया गया, रोक दिया गया। कुछ वजह है कि किस तरीके से जो मीडिया है वो नेशनल टेलीविज़न पर दिखाता है और किस तरीके से वो इसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद यहाँ पर महिलाओं से जो है मना कर दिया गया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये महिलाओं से मना कर दिया गया है, और हम फिर जो मर्द लोग हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि अब देखना है कि किस तरीके से ये अपनी बात रख पाते हैं और किस तरीके से जो सरकार है वो इनकी बात सुनती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विनोद के साथ फैसल, जाफराबाद, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।